गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज दिन में मुझे नहीं आसी राज्य तथा देश विदेश तीस टी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेज डेरी नक भिडटी को शेष पर्यंत देखु। विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना अधीन पैनल भुक्त होता राज्यर समस्त घरे हॉस्पिटल गुड़ी राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग चिठी। साधारण निर्वाचन 2024 कार्य नियोजित थिबा पोलिंग कर्मचारी जदि अंशुघात असुस्थ हुंती तेबे सेमानंको कैशलेस चिकित्सा सुविधा जोगाई देबाको निर्देश दिया जायछि। राज्यवासी को पुणी कलबल करते गत किछि दिन धरी थंडा और कोहला पाग पर पुणी 15 तारीख ठू ताति वृद्धि होगा सहित 17-20 सांघातिक स्थिति होब। एने पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आगुआ सतर्क कर दि जाएगी। पाणीपाग केन्द्र कही आसंता 4 दिन मध्य राज्य अधिकांश स्थान में तापमात्रा 6-8 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाई। विभिन्न समय अण हिंदू माने श्रीमंदिर भितर को प्रवेश करुथुबार देखिबा को मिलुछि। निकट अतीतरे मध्ये एबळी खबर मध्ये सामना को आसीछि। अण हिंदू प्रवेश को रोकिबा पई श्रीमंदिर प्रशासन एबे एक पदक्षेप नेइछि। श्रीमंदिर सिंह द्वार रे प्रतिहारी सेवक मानंकु मुतयन करबाकु निष्पत्ति नेइछि। 14 तारिख रे पण संक्रांति बा महाविषुव संक्रांति पडुथुबा बेले सेही दिन ठारु ए व्यवस्था आरंभ करा जिवो। प्रथम पर्याय विज्ञप्ति को आउ 7 दिन कम समय बाकी बेले एपर्यंत ओडिशा रे 3 दल पूर्णांग प्रार्थी तालिका घोषणा करिनांते। विधानसभा बीजेपी एकाथरके 112 प्रार्थी नाम घोषणा करिथिबा बेले आहुरी 35 आसन पर प्रार्थी तालिका बाकी रही। तेणु कौनसी मुहूर्त में बीजेपी बाकी आसन पर प्रार्थी तालिका घोषणा करिपे तेब बड़ कथा ओडिशा रे प्रथम पर्याय निर्वाचन April 25 प्रार्थी दाखल शेष दिन धार्य कर। पूरी लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन आचरण विधि खोलाखोली उल्लंघन कर भोटर को बीजेपी सांसद प्रार्थी संबित पात्र पद्मफुल चिन्ह थिबा घंटा बंटुवा नहीं अभियोग उपहार दे भोटर मन जिणवाक प्रयास कर। पूरी लोकसभा बीजेपी प्रार्थी संबित पात्र घंटा बांटा नहीं एवं चर्चा जोर धरी। घंटे संबित पात्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फटो सहित बीजेपी निर्वाचन संकेत पद्मफुल चिन्ह मध्य रही। निर्वाचन रणकौशल प्रस्तुत कांग्रेस प्रथम पर्याय निर्वाचन होगा 4 लोकसभा और 28 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे स्टार प्रचारक। मे प्रथम सप्ताह सोनिया गांधी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ओडिशा आसवर योजना कर। मे 13 ओडिशार प्रथम पर्याय निर्वाचन मतदान कर। भारतीय स्टेट बैंक समय समय अनेक प्रकार स्पेशल स्कीम लॉन्च करी आसुची। एक एपरी स्कीम होउची SBI रो अमृत कलश FD स्कीम। ए स्कीम अनुजाई बैंक निज ग्राहकों को 400 दिन FD उपरे भल सुध दर लाभ प्रदान करुची। वर्तमान ए स्कीम को नहीं बड़ खबर सामना को आसी 31 मार्च 2024 शेष होगा स्कीम रो डेडलाइन को बढ़ा दिया जाइछि। बैंक ए स्कीम रो लोकप्रियता को दृष्टि रे रखी एभली निष्पत्ति नेइछि। गत मासरे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस घोषणा करिछि कि कंपनी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट माध्यम रे प्रोफेसर मानंकु नियुक्ति देबा आरंभ करिछि। एथिपाई आवेदन करिवार शेष तारीख April 10 थिला। ए रिपोर्ट रु जणा जाइछि जे TCS एर गत रिक्वायरमेंट ड्राइवर रे 10,000 अधिक प्रोफेसर को नियुक्ति देछि। TCS कहिछि एथिपाई April 26 रे परीक्षा अनुष्ठित हेबो। एहा 3 श्रेणी रे ए नियुक्ति देबो। लोकसभा निर्वाचन पाखे आसुवा बेले भारत में निर्वाचन कमिशन मतदान को नहीं भोटर को सचेतन करने क्षेत्र में सबु प्रकार प्रयास जारी रखिंट। एपर्यंत स्कूल कम्युनिटी सेंटर सोसाइटी इत्यादि भोटिंग को नहीं सचेतनता अभियान परिचालना करा किंतु एवं प्रथम थर लगे एपरी हो कि 60 फुट पा तलु लोक भोट देवा लगे सचेतन कर। अंतर्जातीय बजार प्रभाव भारतीय स्टॉक बजार में बड़धरण ह्रास पर कारबार शेषे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक सेंसेक्स 793.25 पॉइंट ह्रास पाए 74,244.90 स्तर में बंद हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क निफ्टी 274.40 पॉइंट ह्रास पाए 22,519.40 स्तर में बंद हो।
पुणि थरे हिमाचल प्रदेश को माड़ी आसुच्छ विपद। एठारे तीन दिन पई ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाई छी। पाणीपाग विभाग अनुसार किछि आगामी तीन दिन मध्यरे एठारे प्रबल वर्षा होई पारे। या सहित उच्च स्थान रे बरफपात भी होई पारे। आगामी सात दिन पर्यंत हिमाचल प्रदेश रे पाग खराब रहिब। सिमला सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजिकल बुलेटिन एभली एक सूचना जारी करी छी। परवर्ती नोटिस न आसिबा जाए भारतीय माने इज्राइल और ईरान गस्तरो दूरे रुहंतु बोली भारत सरकार गोटे नोटिस जारी करिछंती। ईरान आसंता 48 घंटा मध्यरे इज्राइल उपरे सीधा हमला करि पारे बोली रिपोर्ट प्रकाश पाइबा परे भारतर वैदेशिक मंत्रणालय एपरि एक निर्देशनामा जारी करिछि। मध्य प्राच्यरे एबे टेंशन स्थिति सृष्टि होइछि। तेणु भारतीय माने ईरान एवं इज्राइल को गस्त न करंतु बोली भारत अनुरोध करिछि। प्रोटीन सप्लीमेंट को नहीं आसी सांघातिक खबर। लोक माने जो प्रोटीन सप्लीमेंट को निज स्वास्थ्य पई पिउछंती सेगुडी करे भूल लेबलिंग रहउछि। भारत रे बिक्री होतबा 70% प्रोटीन सप्लीमेंट रे त्रुटिपूर्ण लेबलिंग बा भूल तथ्य दिया जाउथबा गोटे सर्वे रु खुलासा करा जाइछि। सर्वे आहुरी कुआ जाइछि जे एपरि सप्लीमेंट गुडी करे विषाक्त पदार्थ मध्ये मिलिबार नजर रहिछि। भागीदारी रे चलीथिबा व्यवसाय करोना जगु गंभीर भाव प्रभावित होता। व्यवसाय अनेक क्षति सहिबा को पड़ता। एथिपाई 2021-22 आर्थिक वर्ष रे केन्द्रमंत्री राजीव चंद्रशेखर टिकस युक्त आय 680 टंकारु खसी जाइथिला। एकता निजे केन्द्रमंत्री राजीव चंद्रशेखर एक जोगे कहिछंते। केरल थिरुवनंतपुरम रो बीजेपी प्रार्थी होइथिबा चंद्रशेखरंकर सत्यपाठ को ने बिवाद देखा देइथिला। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल रही बेले एवं मनीष सिसोदिया न्यायिक हेफाजत वृद्धि करा। April 24 पर्यंत जेल रहिबे मनीष एने कोर्ट निर्देश देछंती। या पूर्व गत 6 तारिखर April 18 पर्यंत सिसोदिया न्यायिक हेफाजत वृद्धि करा। दिल्ली मद घोटाला संप्रति मामलें गत वर्ष फेब्रुआरी मासरे CBI मनीष को गिरफ्त करिथिला। इज्राइल और ईरान मध्यरे संभाव्य युद्ध आशंका घनईबारे लगी। आसंता 48 घंटा मध्यरे इज्राइल उपरे सीधा सड़क हमला करी पारे ईरान। तबे ईरान हमलार मुकाबला पाई इज्राइल मध्य प्रस्तुत रही। दि वॉल स्ट्रीट जर्नल एपरी खबर प्रकाश पाइबा परे मध्य प्राच्यरे समस्तंकर छाती धड़धड़ हेबारे लगी। पाकिस्तान पूर्वतन राष्ट्रपति आरिफ अली पाकिस्तानवासी को सेमानंक भाग्य बदलाइबाकु परामर्श देछंती। भाग्यर एही परिवर्तन पूर्ण सेट एवं पूर्ण आरंभ द्वारा करा जिवो। यार अर्थ एहा कुआ जाउछि जे जा घटीछि आमे भूली जिबा एवं भविष्यतरे आगोकु बढ़िबा उचित। पूर्वतन राष्ट्रपति आरिफ अलबी कहिछंती जे राजनैतिक मतभेद देशर एक अवस्था को आनिछि। रमजान 2024 समय कराची अपराध वृद्धि पाथ्वर देखा जाइए। जो थे डकायत को विरोध करने जो कराची 2024 रमजान ने 19 जन मृत्यु घटी बेले 55 जन आहत होती। वार वाई न्यूज रिपोर्ट रे दाबी करा जाइए। डकायती उद्यम बेले कराची 19 जन साधारण नागरिकों मृत्यु होता जड़े पुलिस अधिकारी कहते। भारत सहित संपर्क को तिक्त करी मालदीप निज पादरे निजे कुराड़ी मारी। मालदीप रे भारतीय पर्यटकों संख्या आश्चर्यजनक भाव ह्रास पाई। यह मालदीप अर्थनीति उपरे प्रभाव पकाउछि। वर्तमान मालदीप रे एक बड़ पर्यटन संगठन भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने भारत बड़ सहर में रोड शो आयोजन करने को निष्पत्ति नहीं जहाद्वारा मालदीप विषय भारतीय पर्यटकों मध्य धारणा परिवर्तन हो पारे। चीन ने भय बढ़ाला मारात्मक खास। द्रुतगति में मारात्मक काशे आक्रांत व्यक्ति संख्या बढ़ी चली। 2 मास 32,000 अधिक मामला चिन्हट होती। चीन जातीय रोग नियंत्रण और प्रतिरोध संस्था कही जनवरी और फेब्रुआरी में देश में 32,380 मामला चिन्हट होती। गत वर्ष यह समय मात्र 1,000 मामला चिन्हट होता। एवं मारात्मक काशे आक्रांतों संख्या बढ़ी चली बेले एजाएं 13 जन जीवन जाइवर अभियोग। चीन ने एक रिटेल टाइकून कर्मचारी को हैप्पी वर्क लाइफ एक्सपीरियंस अनुभव करेबा को निज कंपनी रे अनहैप्पी लीव रा आरंभ करिछंते। मध्य चीन न हेनान प्रांत रे थिबा एक रिटेल चेन पेंगडोंग लाइन रो प्रतिष्ठाता बा अध्यक्ष यु डोंगलाई घोषणा करिछंते कि कर्मचारी का मूड ठीक नथिले से माने 10 दिन छुट्टी नहीं पारिबे। मार्च शेष भागरे चाइना सुपर मार्केट विक रा आयोजन समय रे यु एपरि कहिथिले।
ଇଟାଲୀର ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ଲାଗିଛି ଅଜବ ଗଜବ ଅଫର୍। ଇଟାଲୀରେ ଏଲିକୁଡ଼ିରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଫର୍ ରହିଛି ଯେ ଛେଳିକି ଧରିବ ସେ ଛେଳି ତାର। ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ 100 ଛେଳି 100 ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱୀପ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ଛେଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାକାର ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରାମାୟଣକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ରଣବୀର କପୁର ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ KGF ଷ୍ଟାର ୟଶ୍ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟଶ୍ ରାବଣ ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ମନା କରି 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର୍କୁ ନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପା 2 ଟିଜର୍ରେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟିଜରରେ ଅଲ୍ଲୁ ମା ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କର ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଟିଜରରେ ନଜର ଆସୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ମାତା 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଥାନାରେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କେବେ ବିବାଦ ତ କେବେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ରାଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ସେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରଣା ପାଇବା ପରେ ମହିଳା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ସେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ବଡ଼େ ମିଆଁ ଛୋଟେ ମିଆଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଶରେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆୟ କରିଛି। ବଡ଼େ ମିଆଁ ଛୋଟେ ମିଆଁ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 36 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ମଥୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେମା ମାଳିନୀ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଗହମ କ୍ଷେତ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି କ୍ଷେତକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଫଟୋରେ ତାଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗହମ କାଟୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ୱାଙ୍ଗଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କୋହଲିଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ଦିଅ, କୋହଲିଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣି କୋହଲି ହସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ନ କରିବାକୁ କାନ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ତେବେ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଧୋନିଙ୍କ ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। ତେବେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ଏପରି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଧୋନିଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ ଜଣକ 64,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ IPL ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ 3 ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। IPL 2024 25ତମ ମେଲିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ RCBକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କର ବୋଲିଂ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୁମରା ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ବୁମରା ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବୋଲିଂ ସହିତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୁମରା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ଏଭଳି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।